अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल से आज तक ये सर्चिंग की है कि हमारी DIDX की वेबसाइट स्लो क्यों चलती है, तो उसमें मैंने देखा क्यों स्लो है ये, क्योंकि जब DIDX का एक पेज जो है वो सेशन के साथ बनता है 1277 किलो बाइट्स, 1277 किलो बाइट्स, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 MB का पेज है, 1 MB का, जो सेशन के बाद लॉगिन होता है। जब हमारे पास कोई सेशन बन जाता है तो वो जब प्रोफाइल पेज जाता है उसके बाद ये पेज बनता है। और अगर हम देखें क्लाइंट साइड पे, इतना बड़ा पेज लोड करने के लिए हमें स्पीड कितनी रिक्वायर है, या 1 MB अगर स्पीड क्लाइंट के पास है तो उसके पास ये पेज कितनी देर में लोड होना चाहिए। ये पेज क्लाइंट के पास 1 MBPS स्पीड के ऊपर 49.64 सेकंड में लोड होगा। ये मैंने सारे टेस्ट कैलकुलेट किए हैं, इसका मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर 512 किलो बाइट्स की स्पीड हो तो उसके ऊपर ये पेज 98 सेकंड के अंदर लोड होगा। तो यही वजह होती है जब हमारे पास कस्टमर लोड वेबसाइट खोल रहा होता है तो उसके पास पेज इतनी देर लगा देता है लोड होने के अंदर कि वो तंग आ जाता है। अब जो हमारा पेज साइज़ है वो ग्रेटर देन 1 MB है, तो पेज हमारा 1 MB से भी ज़्यादा है। ये वो वाला बाइट है जब कोई हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके वो जो साइज शो हो रहा होता है, ये इट इज़ नॉट बिट, इट इज़ बाइट, 8 times a bit। अगर हम देखें ये 1 MB से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 1024 किलो बाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं 1 MB के, ठीक है। और हमारे पास जो पेज है DIDX का वो 1277 किलो बाइट्स का है, तो वो डेफिनेटली ग्रेटर हो गया 1 MB से। तो अब ये तो हो गया क्लाइंट साइड पे कि क्लाइंट साइड पे डाउनलोड करने के लिए पेज कितना उसको स्पीड चाहिए क्लाइंट को। यही अगर हम देखें कि हम एज अ सर्वर हमारे पास कितनी स्पीड होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सर्वर के ऊपर 1 MBPS इंटरनेट स्पीड है, यहाँ पे ये बिट देखें छोटा वाला है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है किलो बाइट्स के अंदर, तो ये हमारे पास स्पीड बनती है 125 किलो बाइट्स पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। जब हम कोई फाइल साइज 1 MB के लिंक के ऊपर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये वाला रेट मिल रहा होता है 125-130 किलो बाइट्स पर सेकेंड, शेयर्ड और अनशेयर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर हमें 1 MBPS पे हम मैक्सिमम 125 किलो बिट्स पर सेकेंड अपलोड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 10 MBPS का लिंक हो तो हम कितना अपलोड कर सकते हैं, 1250 KB पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में हम एक कस्टमर को सर्व करने के लिए हमें रिक्वायर है 10 MBPS इंटरनेट। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर हम 100 MB हमारे पास इंटरनेट है, 100 MBPS का इंटरनेट लिंक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 सेशन सर्व कर सकते हैं, 8 से 9 सेशन सर्व कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हमारे पास इसी सर्वर के ऊपर कॉल्स भी आ रही हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ इंटरनेट बैंडविड्थ यूज़ हो रही होगी। तो जब इतने सारे सेशन हमारे पास आते होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 8 से 9 हमारी कैपेसिटी है लेकिन हमारे पास सेशन आ ही 15 या 20 रहे, तो हमारा सर्वर तो पागल हो ही जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी अपलोड कैपेसिटी नहीं है, तो वो किस तरह अपलोड करेगा, क्योंकि उसके पास एक अपलोड स्पीड जो मुहैया ही नहीं हो रही तो वो कहाँ से कर सकेगा। तो अगर हमारे पास ये 10 MBPS का लिंक है, जो कि मैंने और सौर्य भाजी ने प्लैनेट वालों से पूछा था, तो उन्होंने कहा 10 MBPS का लिंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 MBPS का लिंक है तो फिर तो हम एक ही सेशन एक सेकेंड के अंदर अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। तो अगर ये 10 MB का है तो हमें 100 MB तो डेफिनेटली लेना ही लेना है, और अगर 100 MB है तब भी हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास DIDX के ऊपर विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल फोन लाइन, जबकि वर्चुअल फोन लाइन का जो मेन पेज है वो भी DIDX से ज़्यादा है, बट उसके ऊपर लोड कम है तो वो उससे ज़्यादा जल्दी खुल जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई DIDX पेज इज़ वेरी स्लो, एंड आई होप के, और मैंने इसके लिए कनेक्ट के जो नॉक इंजीनियर हैं आसिफ साहब उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ आपको इसके लिए इंटरनेट बैंडविड्थ सर्वर के ऊपर थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर विजिटर्स ज़्यादा हैं तो फिर आपके पास डेफिनेटली अपलोड स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने एक चीज़ और निकाली है
कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमारे डेवलपर्स के काम आ सकता है। तो वो भी मैं लिंक सेंड कर दूंगा, और जो मेरे पास स्टैट्स हैं मैं वो भी सेंड कर दूंगा जो मैंने इसके कैलकुलेट की। थैंक यू।